हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग टॉपर को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन जो अभी 26,000 समथिंग वैकेंसी आया है, तो उसके बारे में जो मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, तो उसके पूरा डिटेल्स में आपको बताऊँगा। क्या आप तो मेडिकल टेस्ट कैसे किस लेवल में होता है और क्या क्या टेस्ट होता है, अगर आप मेडिकली अनफिट होते हो तो क्या आपको ऑप्शन मिलेगा कि री मेडिकल करने के लिए, तो सारे डिटेल्स में इस वीडियो में कवर करूंगा। और एक बात बता देता हूँ, इसमें लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, तो मेडिकल टेस्ट में आप अगर अनफिट हो रहे हो तो आप री मेडिकल कर सकते हो। दोस्तों, री मेडिकल कैसे करोगे और मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा वो लास्ट में, पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या टेस्ट होता है। दोस्तों, रेलवे का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है इसमें टोटल कुल मिला के आपको 11 या 12 ऐसा आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसे फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा आपको जिसे पूरा चेक करेंगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ आई टेस्ट, जो आपको आई टेस्ट करा जाएगा उसमें A1 मेडिकल है, फिर B1 है, B2 है, C1 लेवल इसमें है। तो स्पेशली आप जो असिस्टेंट लोको पायलट या कोई आप टेक्नीशियन के लिए दे रहे हो, तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको A1 लेवल यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो आप, तो जो A1 लिखा हुआ है वो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, ये स्पेशली A1। और जो टेक्नीशियन ग्रेड है जो B1, B2 और C1 के लिए, ये टेक्नीशियन के लिए दिया जाएगा, और ये ALP ओनली फॉर ALP। दोस्तों, ALP एंड टेक्नीशियन के बीच में फर्क आता है ओनली आई टेस्ट। ओनली आई टेस्ट थोड़ा टॉप लेवल होता है और सारे जो टेस्ट है वो और जैसे ही नॉर्मली होता है उसमें टेक्नीशियन में थोड़ा कम रहता है। और अगर ALP के लिए आप तैयारी कर रहे हो या ALP के लिए आप एग्जाम चल रहा है तो ALP में थोड़ा टॉप रहता है। तो दोस्तों, अब पहले हम बात कर लेते हैं आई टेस्ट में डिस्टेंस विजन है, जो डिस्टेंस विजन है वो 6x6 होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप कोई जब टेस्टिंग करेंगे ना, तो आपकी दूर से एक लाइट के अंदर ऐसे जो लेटर लिखा हुआ है वो लेटर जैसे ही ये दिखाएगा, ये जैसे लेटर लिखा हुआ ना दोस्तों, ऐसे ही आपको दूर से ये दिखाएंगे। उसके साथ आपको ये पढ़ना है, जैसे कि बड़े बड़े ऊपर लिखा हुआ है उसके नीचे नीचे थोड़ा छोटे होते जाएगा, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस विजन। एक डिस्टेंस विजन होगा और एक नियर विजन होगा दोस्तों। तो गाइस देख सकते हो ये जो फोटो है ये नियर विजन का दिया हुआ है। तो नियर विजन पहले बड़ा बड़ा देगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा होते जाएगा, छोटा होने के बाद पूरा पैसेज दिया जाएगा, तो आप ये पैसेज को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो आप पूरा थोरोली पढ़िए, अगर आपकी वहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ नहीं पा रहे हो तो आपको डिक्लाइन कर दिया जाएगा, और आपको आप अगर री मेडिकल क्लेम करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस भी बताऊंगा री मेडिकल कैसे होता है। उसके बाद दोस्तों आता है कलर विजन, कलर विजन टेस्ट होता है। कलर विजन जैसे कि मेरा स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पे एक कलर का सर्कल है, उसके बीच में थोड़ा डिफरेंट कलर में दिया हुआ है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 7 लिखा हुआ है, सेकंड में 13 लिखा हुआ है, थर्ड में 16 लिखा हुआ है। तो इस तरीका में आपको ये इमेज मिलेगा और उसका एक बुक्स दिला देंगे और बोल देंगे कि ये इमेज क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, नहीं तो एक सर्कल दिला देंगे आपको जो उसके एक रो जैसा होगा, उसको हाथ लगाना पड़ेगा ये कौन सा टाइप का रो है। तो ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं हम कलर विजन। तो कलर विजन टेस्ट होगा, ये सब दोस्तों सारे विजन टेस्ट होगा जो विदाउट ग्लास में होगा। अगर आपके पास ग्लास यूज हो रहे हो आपको अनफिट कर दिया जाएगा और आप घर आ जाओगी। उसके बाद दोस्तों और एक टेस्ट होता है जो बाइनाकुलर विजन, जैसे कि आपकी आंख को कुछ दिखता होगा पर ब्लर ब्लर जैसे दिखता होगा, ब्लर मतलब झापसा झापसा दिखता होगा, तो वो एक टेस्ट होता है। और एक नाइट विजन टेस्ट होता है दोस्तों, ये सारा था आंख के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ब्लड में मतलब शुगर टेस्ट किया जाएगा। आपकी ब्लड में शुगर नहीं है तो उसको बोलते हैं हम डायबिटीज टेस्ट, डायबिटीज या शुगर जो भी बोल सकते हो, ब्लड में आपको वो टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों ECG टेस्ट किया जाएगा, जो फोर्थ नंबर में दोस्तों आ रहा है जो ECG टेस्ट,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये ईसीजी टेस्ट आपकी सुला देंगे और बीच में आपकी कुछ इलेक्ट्रो सेंसर जैसे आपकी बॉडी में लगेगा, उसके साथ आपकी ग्राफ जैसे वो हार्ट की जो बीट होता है उसको ये रिकॉर्ड करेगा, इसको बोलते हैं ईसीजी टेस्ट, वो करेगा। ये प्रोसेस जब चलता होगा दोस्तों, आप पूरा स्टेबल रहेंगे और नॉर्मली रहेंगे, कुछ सोचते नहीं होंगे, मतलब आपकी हार्ट बीट कांस्टेंट रहना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, तब आप फिट होंगी, नहीं तो फिर दोस्तों आप ज़्यादा टेंशन हो के हार्ट बीट स्पीड हो जाएगा तो आप अनफिट हो जाओगी। उसके बाद दोस्तों आता है यूरिन टेस्ट, आपकी जो पेशाब है उसको टेस्ट किया जाएगा। पेशाब टेस्ट करने के टाइम दोस्तों आप लोग एक ध्यान रखिए कि इससे पहले जो कुछ भी खाते हो ना, जैसे कि आपकी कोई फल खा लिया और पेशाब की कलर चेंज हो जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ या कुछ गलत खा मत लीजिए, क्योंकि पेशाब की कलर भी चेंज हो सकता है, उसमें फर्क भी आ सकता है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों आता है एक्सरे टेस्ट, आपकी जो आपकी बॉडी को ये एक्सरे कराया जाएगा। एक्सरे करने का टाइम मैं आपको बोल देता हूँ, जो लोग लेडीज़ लोग हैं या जेंट्स कोई भी ज्वेलरी पहनते हैं, और लेडीज़ लोग जो इनर वेयर पहनते हैं उसके अंदर अगर कुछ मेटालिक चीज़ है तो वो निकाल दीजिए, और ज्वेलरीज पहने हो या लकेट कुछ पहने हो गले में तो वो सब निकाल दीजिए। निकाल देंगे तो आपकी कुछ मेटल डिटेक्ट नहीं करेगा, नहीं तो कुछ मेटल रह जाएगा तो बॉडी में एक्सरे में डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट करने के बाद आपकी अनफिट भी उसमें भी हो सकते हो दोस्तों। उसके बाद गाइज आप ब्लड प्रेशर टेस्ट करेंगे वो लोग। ब्लड प्रेशर आपकी नॉर्मली जैसे कि 80/120 जो रहता है वो थोड़ा नॉर्मल रखना पड़ेगा आपको, सॉल्ट ज़्यादा नहीं खाना पड़ेगा, ये सब थोड़ा ध्यान में रखिए कि आपकी जो नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहिए जो ब्लड प्रेशर दोस्तों। उसके बाद आपको ENT टेस्ट, ENT मतलब ईयर नोज और थ्रॉट। कभी कभी दोस्तों आपने देखे होंगे कि कान में लाइट डाल के टॉर्च डाल के देखते हैं, मुंह में आपको टॉर्च डाल के देखते हैं, उसके साथ नोज में भी ऐसे करके देखते हैं, उसको बोलते हैं ENT टेस्ट। वो नॉर्मली स्टैंडर्ड ही रहता है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है प्रॉब्लम। उसके बाद दोस्तों आपकी टेस्टिस जो वो चेक करेंगे, तो आपकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप उसमें अनफिट हो सकते हो। उसके बाद गाइज आपकी हार्निया टेस्ट किया जाएगा। आपकी हार्निया नहीं है तो आपकी, अगर आप हार्निया है तो आप पहले से सर्जरी करवा लीजिए, वो एक्सेप्टेबल है दोस्तों। ये हार्निया भी टेस्ट किया जाता है और सीरियसली किया जाता है, वो है तो आप उसको लिए भी अनफिट हो सकते हो। उसके बाद गाइज आपको टेस्ट किया जाएगा जो पाइल्स आपके होता है, तो आपके अगर पाइल्स है जैसे कि देख सकते हो ये ऐसे पाइल्स भी होता है, तो आप अगर पाइल्स है तो उसको भी आप सर्जरी करवा लीजिए पहले से, तो आप पाइल्स भी क्लियर हो सकता है, पाइल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी फिट हो जाएगा। अगर आप है तो सर्जरी करवा के मेडिकल टेस्ट कीजिए। गाइज ये था पूरा डिटेल्स आपको, जो मेडिकल टेस्ट होगा, इतने सारा टेस्ट होगा, अगर उसमें आपकी कोई भी अनफिट हो रहा है तो आपको एक काम करना पड़ेगा दोस्तों। DMO जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होता है, आपकी हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट में या कोई आपकी जो नहीं तो आपकी सिटी में कहीं भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि आपके सोचो सपोज आपकी ब्लड टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आया, तो आपको गवर्नमेंट से कोई भी आपकी वहाँ पे बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट बनाने के बाद आप वहाँ पे लेके जाइए, तो लेके जाने के बाद वो बोलेंगे कि मैं नॉर्मल कंडीशन में ठीक रहता हूँ, अभी थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेस में रहता हूँ तो इसलिए मेरा प्रेशर ज़्यादा हो गया था, तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखा के फिर री मेडिकल कर सकते हो दोस्तों। री मेडिकल कैसे करना है कि उस पूरा शुरुआत से, जैसे कि आपकी आई टेस्ट से पूरा पाइल्स टेस्ट तक, जैसे जितना मैंने बताया सारे टेस्ट वो लोग कराएंगे, पूरा शुरुआत से लेके एंड तक कराएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है, असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिलेटेड हर आपकी नोटिफिकेशन होता रहता है, और सारे सजेस्टेड वीडियो आपकी जो भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है।